आज के तीन बड़े समाचार, पहले सुर्खियां। बदलेंगे काम करने के नियम, हफ्ते में मिलेंगी 3 दिन की छुट्टी तो 12 घंटे करने होंगे काम, सरकार पूरी की तैयारियां। स्कूलों में पढ़ने को लेकर तालिबान का नया फरमान, स्कूलों में अलग अलग पढ़ेंगे लड़के और लड़कियां। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने रचा इतिहास, बनी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नया वेज कोड बिल की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में इसे लागू किया जा सकता है। पहले इस बिल को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से ड्राफ्ट रूल्स नहीं मिलने के कारण ये नियम लागू नहीं किया गया। इस नए नियम के तहत कर्मचारियों की छुट्टियां, सैलरी और काम करने के घंटे को लेकर काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। सरकार ने कहा कि हफ्ते में 48 घंटे का काम ही नियम रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई दिन में 12 घंटे काम करता है तो बाकी 3 दिन उस कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। हालांकि कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाए थे। अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन लागू होने के बाद अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए अब्दुल बकी हक्कानी ने ऐलान किया है कि अब से स्कूलों में लड़के और लड़कियां अलग अलग पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार में जल्द ही स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल का वादा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अधिकारियों से बात करते हुए हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वह लड़कों के साथ एक ही क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षित शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। नए कार्यवाहक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही फिर से यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे और लोगों की सैलरी का भुगतान भी किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में यह स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह स्वर्ण पदक पहला था। पुरुषों की F56 डिस्क थ्रो स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता, जबकि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झांझरिया रजत पदक जीतने में सफल रहे। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। बीता 5वां दिन भारत के लिए शानदार रहा और 3 भारतीय एथलीट पदक जीतने में सफल हुए।